हेलो दोस्तों, मैं साहू, साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक शहर के बारे में जो पेनी शहर है। कुछ ही महीने से वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। उसी शहर के बारे में बात करेंगे जो शहर दिखाई दे रहा है। वो शहर का नाम है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट ऐसा कंपनी है जो रूरल एरिया में डेवलपमेंट करता है, व्हीट स्ट्रॉ डेवलपमेंट करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, छोटा छोटा कंपनी को लेकर बनाता है स्ट्रॉ और व्हीट स्ट्रॉ। तो इसी कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत पुराना कंपनी है, 2004 से ये मार्केट में है और इसका परफॉर्मेंस हम देखेंगे। ये मंथली का कैंडल का चार्ट है। मंथली कैंडल चार्ट में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जब था 0.01 पैसा में, मैंने सबसे छोटा शेयर में था 2004 में। अभी का टाइम में वो 51 हाईएस्ट 70 तक गया था। तो इसी चार्ट में हम दिखाई दे रहा है ये पेनी शेयर में यही फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई मूवमेंट नहीं होगा, कुछ साल के लिए मूवमेंट नहीं होगा। जब भी मूवमेंट होगा आपको 4 गुना 5 गुना 50 गुना तक आपको फ़ायदा दे सकता है। ऐसा शेयर है ट्राइडेंट। ये पेनी शेयर है, कुछ ही महीने से कम 2021 से इसका बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ, उसलिए चार्ट में ग्रोथिंग रेट के हिसाब से इसका चार्ट आज बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है। तो अभी भी यहाँ आप होल्डिंग कर सकते हैं। ये शेयर है पेनी शेयर का, यही मतलब है आप लॉन्ग टर्म व्यू के लिए चलिए, इसको एग्जिट नहीं करिए जब तक आपका पैसा डबल ना हो जाए। ये चल के चलिए, आप 50 पे लिए हैं, 100 जब तक नहीं होता है तब तक नहीं बेचना है, क्योंकि ये ऐसा पेनी शेयर है। ट्राइडेंट सबसे डिमांडिंग शेयर है, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया दिया है और एक साल में ये कम से कम 2021 में ये 10 रुपया में था और 10 रुपया से 2001 साल में 5 गुना बन गया यानी 50 और हाईएस्ट 70 तक गया था यानी 7 गुना बन गया। तो इसी के चलते आप 50 रुपीज़ में भी यहाँ को ले सकते हैं ट्राइडेंट शेयर को, और लॉन्ग टर्म व्यू के लिए जब 100 रुपीज़ हो जाएगा तब आप बेच सकते हैं। एक एक पेनी शेयर हर हफ्ता में एक एक शेयर लेके आऊँगा आपका, जो रिकमेंडेड शेयर है सबसे बढ़िया बढ़िया शेयर आपको बताऊँगा। हर हफ्ते संडे को मैं लेके आऊँगा एक एक शेयर ट्राइडेंट जैसा शेयर। तो ट्राइडेंट का हम देखेंगे अभी फंडामेंटल कैसा है और कितना रिटर्न दिया है एक साल में, इस चार्ट में हम देखेंगे। तो चार्ट में कुछ नहीं, ये मंथली कैंडल, तो इसका वन डे कैंडल चार्ट हम देख पा रहे हैं। वन डे कैंडल चार्ट में अभी जो 2021 का अगर हम देखेंगे यहाँ पर 2021 18 19 और ये हो रहा 2021 में इसका ये जो ग्राफ हम यूज़ करते हैं ये जीरोदा डीमैट अकाउंट है। जीरोदा ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपके पास नहीं है, अगर आपको इंटरेस्टेड है जीरोदा ट्रेडिंग अकाउंट में खोलने के लिए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके ओपन कर सकते हैं। तो ये रहा ट्राइडेंट, ट्राइडेंट के शेयर के बारे में बता रहे हैं। ट्राइडेंट 10 रुपया में था ये शेयर, यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके कम से कम अभी जो हाईएस्ट मिला है 51 तक, यहाँ पर अभी जो क्लोजिंग प्राइस में रुका है और इसका जो हाई बना है 70 के पास रुका है। अभी आप यहीं आसपास यानी 50 रुपीज़ में अगर लेते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के लिए तब भी बहुत बढ़िया है। जब आपको 50% से 100% रिटर्न मिल जाएगा तब आपको एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी इसका फंडामेंटल देखेंगे कैसा रहता है ये ट्राइडेंट शेयर। तो चलते हैं फंडामेंटल की तरफ। तो ये रहा फंडामेंटल, ओपन कर दिया। फंडामेंटल में हम देख पा रहे हैं ये मिड कैप शेयर है, हाई रिस्क जोन है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है और शेयर है, यही मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बनाता है, वेट स्ट्रॉ बनाता है। इसका जो एफडी रेट, डिविडेंड रेट, एंट्री पॉइंट रेट, रेड फ्लैग फंड इसलिए दे रहा है स्टॉक एएसएम लिस्ट में। एएसएम कभी इसमें बायर ज़्यादा आ जा रहे हैं, कभी सेलर ज़्यादा आ जा रहे हैं, कभी अपर सर्किट लोअर सर्किट इसी तरह जाता है। अगर आपका कभी अपर सर्किट में लगा है तो आप होल्डिंग नहीं ले सकते हैं, पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपका बाई चांस ले ही गया तो आपको एग्जिट नहीं करना है, उसको लॉन्ग टर्म व्यू के लिए होल्डिंग रखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू के लिए आपका बढ़िया प्रॉफिट जनरेट देगा। तो इसका अभी फॉरकास्ट सबसे बड़ी बात है, जो एनालिटिक्स इसको दिया रहे फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए 100% रेटिंग दिया है उसमें होल्डिंग करने के लिए। आपको ये मेरे तरफ से भी रिकमेंडेड है, आप इस शेयर को लेकर रखिए अपने पास। और दूसरा ये ट्राइडेंट ग्रुप का टेक्सटाइल कंपनी है, ये व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चर, ये कंपनी का प्रोफाइल है यहाँ लिखा है।
ट्राइडेंट लिमिटेड इज टेरी टावल यर्न एंड व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग भी बनाता है। व्हीट स्ट्रॉ जो आप जो धान को काटने के बाद, जो गेहूं को काटने के बाद जो स्ट्रॉ बचता है उसको मैन्युफैक्चरिंग करके पेपर बनाता है ये कंपनी। तो ये जो इसका फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल ट्रेंड है उसको हम देख पा रहे हैं 2018 to 2021। इसका रेवेन्यू भी कम होता जा रहा है और प्रॉफिट 27, 37, 34, 30 प्रॉफिट भी कम हुआ है और ज़्यादा भी कम नहीं, थोड़ा बहुत कम हुआ है। अगर 2022 में अगर अच्छा प्रॉफिट आया तो चार्ट के हिसाब से मेरे ख्याल से लग रहा है कि इसका 22 में अच्छा प्रॉफिट आया होगा, इसलिए तो चार्ट ट्रेंड में है। तो इसी चलते ये फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए रिकमेंडेड है, चाहे कम शेयर लीजिए तभी भी आप होल्डिंग रखिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके बताइए, और कोई शेयर है आपके रिकमेंडेड में अगर चाहते हैं कि मैं बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।